फाइनल एक आपके पास क्या निकला, मतलब पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब भाई सोचेंगे कि भैया ये 7 कहाँ गया, तो मेरे भाई ये 7 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, जीरो बन जाता है। तो सीधा इसको समझ लेते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको समझ लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसी में हो जाता मामला गड़बड़, 3 नंबर कट जाता है। बट यहाँ पे स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या कह रहा भाई, हुज जीरोस, मतलब कि जिसके जीरोस हैं, ए और बी दे रखा है, वहां से पहले सम और प्रोडक्ट बनाना जैसे पीछे बनाया, अब इसको यहां पे रखना है। जो दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस बन गया है, इजी, बस स्टेटमेंट पढ़ोगे सही से आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला नमस्ते भाई, मेरे भाई आप लोग क्लास 10th में हो, आप लोग का मिड टर्म, मुझे पता है कि आप लोग सितंबर में मिड टर्म है, जो कि आपको यह चीज पता होगा। यहां पे मैं पहले बता देता हूं, जो ये मिड टर्म एग्जामिनेशन है, यहां पे आप देख लो मिड टर्म एग्जामिनेशन, जो कि कहां, ये आपके सितंबर में, कब भाई, ये सितंबर में आपके मिड टर्म है, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो आपके यहां पे बेसिक और स्टैंडर्ड के कोड है, जो आपके पास सिलेबस है, ऑलरेडी मिड टर्म के सिलेबस बता चुका हूं मेरे भाई, इसके लिए जो अभी तक प्रीवियस ईयर में जो मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके लिए लेकर आया हूं भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज को आपको यह देखना है, जो ये मिड टर्म के क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपको टू बी पॉइंट आना चाहिए, और इसको कॉपी में नोट डाउन करना है। जो आप यहां पर देख सकते हो, ये बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2024 के मिड टर्म में आए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और साथ साथ में बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सारा चीज करवा दो, उसके बाद आप देखेंगे कैसे करना है। तो पॉलिनोमियल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो ये आपके पार्ट वन होंगे, टू बी क्लियरिटी के साथ आपको बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दूंगा, पूरा पैटर्न बता दूंगा इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पूरा कंसेप्ट समझना और अच्छे तरीके से इनको करने की कोशिश करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे भाई, जो इस तरीके के सवाल होते हैं बहुत इजी होते हैं, अब फोकस लगाना अच्छे से। आपने चैप्टर किया है फिर भी, नहीं किया है फिर भी, ये क्वेश्चन मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। जो क्लास 9th में आपने मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म किया था ना, मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म के फॉर्म में ही ये वाले क्वेश्चन होते हैं, बट ये क्या है, थोड़ा सा रूट पे होता है मेरे भाई। बस आप ध्यान से सुनना, शिद्दत से सारी चीजों को समझना, कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे बताना। तो मेरे भाई ये आपके पास क्या है, ये आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, जो आप देख लो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कह रहा है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, दैट मींस कि आपके पास ये a जो है ना, यहां पे जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब आपके पास एक वैल्यू लाना है और यहां पे b की वैल्यू लाना है, जो आप अल्फा और बीटा कहते हो, अभी आगे बताएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले आप यहां पे आंसर पुट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास क्वेश्चंस दिया है इसको अब फोकस के साथ समझना। 5x यहाँ पे माइनस यहाँ 2√3, ये आपके पास हो गया। जो आपने एक चीज देखा, अगर क्लास 9th में आपने सारी वीडियोस देखी होगी, क्लास क्या होगा, तो आपको मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, ax² प्लस में bx प्लस में c, आपको मैंने ये चीज बताया था, ठीक है। मतलब कि कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट पे होना चाहिए, कैसे, मतलब ये जो है आपके पास x², ये साइड वाला क्या है, कॉफिशियंट है, जो आप यहां पे देख सकते हो, ये इसके क्या हो जाएंगे, कॉफिशियंट हो जाएंगे x² का, तो ये भी हमारे पास वेरीफाइड है। ये bx है, ये x हो गया, ये इसकी कॉफिशियंट हो गया। c4 कॉन्स्टेंट के लिए होता है, जो कि आपके पास 2√3 कॉन्स्टेंट दिख रहा है, तो मतलब आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही, तो उसके अलावा अब आगे देखो करना क्या है। बहुत इजी है, जो आप सामने देख रहे हो बहुत आसान सवाल है, बस फोकस लगाना, ये रूट वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा फंबल मत होना, कहीं हो जाते बच्चे काफ़ी सारे परेशान हो जाते हैं। बट अब आपको करना क्या है, ये आपके पास, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, क्यों, आपको पता है कि जब भी ऐसा होता है तो ए इंटू सी करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, a इंटू सी, और इसी में आपको लाना पड़ता है प्लस माइनस का b, समझे मेरे भाई। तो यहां पे a जो है, a क्या कॉफिशियंट लेना आपको, मतलब कि x² के पीछे वाला लेना है, तो ये हो गया 4√3 इंटू कॉन्स्टेंट कितना आपके पास में 2√3, ठीक है भाई, समझ गए। तो आपको एक पॉइंट और समझ आना चाहिए यहां पे, कि भाई जब भी कभी भी एक आइडेंटिटी याद रखना, जब भी रूट ए इंटू रूट ए, कहने का मतलब हो गया रूट में कभी भी आपको दो सेम सिंबल दिखें या सेम एलिमेंट होगा, तो वो रूट से रूट कैंसिल होके सीधा क्या आएगा,
ए आएगा। तो डैट मीन्स कि अगर रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल थ्री आ जाएगा। और नंबर को इससे करोगे तो फोर टू जा कितना हो गया, एट आ गया। अब इसको यहाँ से हटाते हैं, ये कितना आ गया, 24। कितना आ गया भाई, 24। अब आपको करना इस 24 को ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जो आपका प्लस का 5 आ जाए। तो दो नंबर ऐसे सोचो जो कि आपको उनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे आपका प्लस का 5 आना चाहिए। तो एक फंडा सीधा सीधा मिल गया मुझे, 8 3 जा यहां पे हो गया 24। अगर 8 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो ये आ गया 5, जो हमें बीच में चाहिए। तो मेरे भाई क्या हो गया यहां पे, 4, यहां ध्यान से सुनना, ये हो गया 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, अब प्लस में ये है 8x माइनस 3x, क्या भाई यहां पे माइनस 3x माइनस 2√3। ये आपको एजटिज उतार देना है। और ये जितने भी सिंबल आए हैं मेरे भाई, ये जो है ये टोटल कितना बना रहा है आपको, ये 5x बना रहा है। क्यों, प्लस 8 में से माइनस 3 का कितना आ गया, 5। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये वैलिड टर्म हो गया। तो आगे करना क्या है, ध्यान सुनना, ये आपके पास एक टर्म, ठीक है, ये आपके पास एक टर्म, यहां ध्यान सुनना, ये सारा पॉइंट समझ आ गया। इन में से आपको करना क्या है, कॉमन लेना है। क्या करना मेरे भाई, आपको कॉमन लेना। देखो अब आपको यहाँ पे 8x 4√3x स्क्वायर प्लस में 8x से क्या कॉमन लोगे, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, देखो 1x इसमें भी दिख रहा है, 8x इसमें भी x दिख रहा है, और यहाँ पे x स्क्वायर है, दैट मीन्स कि 2x है, 1x बाहर आ गया, ठीक है भाई। और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो मतलब 8 में से 4 बाहर आ सकता है, तो मैंने इसे बाहर कर दिया ब्रैकेट। अगर 1x चला गया तो सिंपल 1x बचा, क्योंकि स्क्वायर बचा हुआ था, 4 ऑलरेडी चला गया, तो क्या बचेगा, अंडर रूट में 3। तो इसे द्वारा सही से लिख देता हूँ भाई। देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, अंडर रूट में यहाँ से द्वारा कॉमन निकाल दूँ, देखो 4x ब्रैकेट में बच गया आपके पास कितना, √3x, अब प्लस में ये x तो बाहर ही चला गया था, तो 4 2 जा 8, ये आपके पास 2, बीच में माइनस है, ऐसे रहने दो। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई यहां से कॉमन क्या निकलेगा, लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भाई जब भी कभी भी ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट यहां पे होता है वही एलिमेंट यहां पे होता है, या यहां पहले निकाल लिया वही चीज यहां पाएगा। तो अब एक चीज समझो, किसी भी कंडीशन में इसके बॉक्स के अंदर में यही आंसर आएगा, तो हम इसको लिखते हैं 3x प्लस में 2। इतनी बात समझ आ गई। अब इसका कॉमन निकालो, अगर यहां पे 2 2 अकेला बचना चाहिए तो यहां से गायब क्या होगा, √3 गायब होगा। क्या गायब होगा भाई, √3, ये आपका कॉमन निकल गया। अब वेरीफाई करवा देता हूं, अगर मान लो इससे कराओगे तो सिंपल 3x आ जाएगा, यहां कराओगे तो 2√3 आ जाएगा माइनस का, तो इसीलिए यहां पर √3 कॉमन ले लिया और हमारा ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों एक जैसा हो गया, ठीक है भाई। तो इसी तरह से क्या करोगे, √3x प्लस में 2 बराबर में 0 रखो, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है जो आपका ब्रैकेट वाला था, फिर आपके पास ये हो गया, ठीक भाई, इसके बराबर में 0 रखो, फिर आपके पास 4x है, इस नंबर को उधर शिफ्ट कर दो, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, x ऐसे रहने दो, √3/4, एक नंबर आपके पास ये आ गया 0। उसी तरह से अगला जो है यहाँ पे √3x बराबर, ये उधर से शिफ्ट कर दिया, x बराबर -2/√3, एक ये आ गया। कहने का मतलब आपके पास दो जीरोस आ गए, एक जीरोस x का ये है, एक जीरो x का ये है। तो यहाँ पे पूरा आपका पूरा सबमिट हो जाता है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा था पॉलीनोमियल का, आपने सारा चीज बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी घबराने का नहीं है मेरे भाई, बस आपको a इंटू c करना, प्लस माइनस लाना है, आपको पता होना चाहिए कौन सा आसान पड़ेगा, उसे तोड़ के जहां कॉमन लेना आसान पड़े वहां ले लो। अगर यहां पे कुछ आसान पड़ता तो कॉमन यहां ले लेते, बीच वाला दोनों मैच करवा लेते। उसी तरह से एक बार आता और ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है, जो कि सीबीएसई 2024 के बेसिक के क्वेश्चन में आया था, तो ये क्वेश्चन यहां समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, ये भी आपके क्या है, ये भी आपके पूछा गया है 2022 के सीबीएसई में, और इस क्वेश्चन को भाई बहुत बच्चे ऐसा करते, गलती कैसे गलती करते हैं, ध्यान सुनना। सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे दो चीज, क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हूज जीरोस, ध्यान से सुनना, एक तो जीरोस आपको क्या दे रखा है, -7, एक दे रखा आपके पास -1/7। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई हूज जीरोस,
जिसके जीरोज है, दैट मीन्स कि आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है। क्या है यहाँ पे, अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है, ये आपके जीरोज हैं, जो कि आपके पास ए दिया होगा जो अभी जीरो निकाला और दूसरे का ए दिया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट सीधा बच्चे क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस में प्रोडक्ट वाले पे पुट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं, हमें यहाँ पे जीरोज दे रखा है, पहले हमें सम ऑफ जीरोज निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता था, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला पता है, अल्फा यहाँ पे बीटा होता है, पॉइंट तो पता ही क्लियर थी आपको। तो इस तरीके से कहानी होती है। अब दूसरा यहाँ देखो क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस सेवन है, यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में माइनस वन बाय सेवन, ठीक है, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। तो ये क्या है, सेवन है, अब प्लस माइनस माइनस, ये हो गया वन बाय सेवन, ठीक है भाई। यहाँ पे आपने क्या, वन एलसीएम सेवन आ गया, वन के टेबल में सेवन कितने, सेवन टाइम्स में सेवन को इससे करा माइनस का 49, ये माइनस, ठीक है, बीच वाला सेवन वन जा सेवन, वन आया वन को वन से क्या सी, माइनस माइनस प्लस, माइनस का कितना गया भाई 50/7, ये आपके क्या है यहाँ पे, ये जो अब फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास सम आया है, क्या आया यहाँ पे सम, ये आया हमारे पास माइनस 50/7, जो कि हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है भाई। उसी तरीके से अब आपके पास क्या है, प्रोडक्ट देखो अगला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सिंपल सिंपल बात है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब दो जीरोस दे रखे हैं, तो आपके पास एक है माइनस सेवन इंटू वन बाय माइनस सेवन, कैंसिल ये सेवन से सेवन कैंसिल, वन बचा, वन को वन से करो तो क्या आएगा, वन ही आएगा। ये आपके क्या निकले, सम और प्रोडक्ट दोनों निकले हैं, जो कि आपके जीरोस दे रखे थे। और अगला जो फॉर्मूला होता है, अगला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर बताना, और भाई कंटिन्यू अब क्लासेस आपके सामने आएगी तो आप लोग वरी मत हो, सेप्टेम्बर तक जो आपके एग्जाम है वहाँ तक सारी चीज़ें बहुत क्लियरिटीज पता चल जाएगा और सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, पार्ट वन पार्ट टू ऐसे करके आएगा। नए हो तो कोई नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पे भी बहुत जल्दी आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर यहां पे ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस, क्या होता था यहां पे सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला लगाते थे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा इसको समझ लेते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको समझ लेते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसी में हो जाता मामला गड़बड़, तीन नंबर कट जाता है। बट यहां पे स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या कह रहा भाई, हुज जीरोस, मतलब कि जिसके जीरोस हैं ए और बी दे रखा है, वहां से पहले सम और प्रोडक्ट बनाना जैसे पीछे बनाया, अब इसको यहां पे रखना है। जो दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस बन गया है, इजी, बस स्टेटमेंट पढ़ोगे सही से आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला एक्स इसके साथ में, ठीक भाई, अब प्लस में यहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है आप सबको पता होना चाहिए, यहां पे इक्वेशन बन गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो कैसे, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आपका, ये आया है माइनस 50/7, ये एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आपके सामने, कितना आया था, वन आया था, ठीक भाई, क्लियर आ गया यहां पे। अब ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो माइनस, अभी इसको भी ऐसे रहने दो, माइनस हो गया। अब इसके पास 50/7, ये एक्स आ गया प्लस में वन, क्लैरिटी यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस 50/7 प्लस में ये वन एच ही, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दिया, माइनस माइनस कितना, प्लस 50/7x प्लस में वन, इतनी बात क्लियर आ गई। इसको यहाँ पे लाते हैं, अब क्या करना है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 50/7 एक्स अब प्लस में वन, अब कुछ नहीं करना, आपको नीचे वन लेना है, नीचे वन लेना, बराबर में जीरो रखूँ, क्योंकि भैया आप सबको डिनोमिनेटर हटाना है तो वन वन लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपका पास सेवन, वन के टेबल में सेवन कितने टाइम्स में आता है, सेवन टाइम्स में, तो सेवन को एक्स से करोगे कितना आएगा, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन वन जा सेवन, वन आया, वन को 50x से करो तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 50x प्लस वन के टेबल सेवन कितने, सेवन टाइम्स, सेवन को वन से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, सेवन बराबर में जीरो। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा मेरे भाई, ये आ गया 7x स्क्वायर प्लस में 50x प्लस में सेवन, ये आपके फाइनल एक आपके पास क्या निकला, मतलब पूरी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब भाई सोचेंगे कि भैया ये सेवन कहाँ गया, तो मेरे भाई ये सेवन जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर
को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, जीरो बन जाता है। ये इसका क्वेश्चन 2022 के क्वेश्चन है। और मेरे भाई अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये आपके ऑफलाइन के बैचेस हैं। अगर आप लोग देखो जुलाई सेशन से जुलाई मतलब शुरू हो जाएगा, जून तो अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो आप लोग इनरोल होना चाहते हो इसमें, तो मेरे भाई इस नंबर पर या इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना, कोई व्हाट्सअप इसी नंबर पर करना, ठीक भाई, कोई दिक्कत परेशानी होगी आपको, इंडिविजुअल सब्जेक्ट इंडिविजुअल जैसे भी हो आप लोग भाई सारी चीज़ें मिल जाएगा। और भाई देखो बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग को भाई दो पार्ट टू भी आएगा, इसी तरीके से करते जाना और भाई कॉपी में नोट करते जाओ, और इस तरह क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू है, लास्ट सारे साल में ऐसे ही चलता है, बस आप पॉइंट टू पॉइंट क्या कर सारी चीज़ों को समझते जाओ। कोई दिक्कत परेशानी होगी कॉमेंट कर बता देना, आगे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।